पूर्व की 7 बहनों के नाम से पहचाने जाने वाले इस इलाके को वाकई में प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से नवाजा है। जहाँ कहीं भी नजरें दौड़ाएं, हर जगह हरे भरे जंगल दिखते हैं जो सहज ही लोगों का मन मोह लेते हैं। और तो और, यहाँ की कला संस्कृति, खान पान, पहनावे पोशाक में भी जो बात नजर आती है वो भी अपने आप में अनूठी है। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं कि जल्द ही हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। मेहमान नवाजी का इनका तरीका भी दूसरों से अलग है। किसी मेहमान के आने पर ये उसे पान पेश करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी बड़े चाव से खिलाते हैं। पहनावा भी बिल्कुल अलग तरह का है। ज्यादातर लोग अपने हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहनते हैं। जब इतनी विशेषता है यहाँ, तो फिर लोगों के रहने का बसेरा यानी कि घर अलग क्यों न हो। अधिकतर घर बांस की लकड़ी या फिर मिट्टी के बने होते हैं, जो जंगली जानवरों के डर से जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ के जनजीवन में, वो है महिलाओं का कठिन परिश्रमी होना। चूल्हा चौकी से लेकर जंगल से लकड़ी काटकर लाना, सभी काम महिलाओं के ही जिम्मे हैं। अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर मुश्किल से मुश्किल काम करना इन महिलाओं के लिए बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है कि देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले यहाँ की महिलाओं की समाज में अधिक प्रतिष्ठा है। परिवार का कोई भी फैसला महिलाओं से पूछे बगैर नहीं लिया जाता। बावजूद इसके लोगों की समस्याएं कम नहीं हैं। भोले भाले आदिवासी लोग ठगी के शिकार होते हैं। विकास की प्रक्रिया में व्यापक जन भागीदारी की बात छोड़िए, यहाँ तो समाज का एक तबका कठिन इलाके, अलग संस्कृति आदि की वजह से देश की मुख्य धारा में अब तक शामिल नहीं हो पाया है। बिल्कुल अपनी ही धुन में मस्त इन लोगों को बाहरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं होती। इन्हें तो चाहिए पेट भर खाना और अमन चैन। पर अब इन दिनों देश के पूर्वी राज्यों में एक हलचल सी दिखाई देती है। जंगल की खामोशी को तोड़ती आवाज में खासा दम दिखता है। ये दम है पढ़ाई लिखाई से बन रहे माहौल का। कहीं साक्षरता के गीत सुनाई पड़ते हैं, तो कहीं महिलाएं जमीन पर बैठकर अक्षरों की दुनिया में अपनी पहचान तलाश करती नजर आती हैं। और ये सब संभव हुआ है इलाके में जी जान लगाकर काम कर रहे स्वयं सेवकों के प्रयास से। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे स्वयं सेवकों का मकसद बस एक ही है, वो है किसी तरह से हर महिला पुरुष को साक्षर बनाना। जैसे कि असम और मेघालय की सीमा पर बसे गारो हिल्स की बात लेते हैं, पूरा का पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ है और लोगों की रोजी रोटी भी जंगल पर ही निर्भर है। चोरी छिपे लकड़ी काटकर ये बाजार में बेचते हैं, तब कहीं गुजारा हो पाता है। पीने के पानी के लिए मीलों भटकना पड़ता है। सड़क इतनी उबड़ खाबड़ है कि चाहकर भी कोई एक गांव से दूसरे गांव आसानी से नहीं पहुंच पाता। वैसे गारो हिल्स की पहाड़ियों से घिरी बस्ती में रहने वाले आदिवासियों का वास्ता ऐसी समस्याओं से रोजाना पड़ता है। पर असम के भालुकबाड़ी गांव में रहने वाले साक्षरता अभियान के स्वयं सेवक एमस्ट्रॉन्ग की दिक्कत कुछ अलग तरह की है। वैसे तो यहाँ पर सरकारी कामकाज असमिया भाषा में होता है, पर लोग गारू भाषा के जानकार हैं। इस वजह से भी लोगों को काफी परेशानी होती है। वे चाहकर भी अपनी बात सरकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते। लिखने की बात तो दूर रही, शुरू में तो ये असमिया बोलना तक नहीं जानते थे। इसी के चलते जब एमस्ट्रॉन्ग ने लोगों को असमिया भाषा की किताब पढ़ाना शुरू किया, तो एक एक करके सारे लोग केंद्र से उठकर चले गए। इससे एमस्ट्रॉन्ग काफी निराश हुए। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अरे एमस्ट्रॉन्ग, कहाँ जा रहे हो? तुमको तो बहुत निराश निराश लगता है, क्यों? क्या करूं?
मेरे पास किताब असम में है हाँ। और पढ़ने वाले गारू भाषा में की जानकारी है। तब तो दिक्कत हुआ है तुम्हारा ना, तो मेरे पास उसका समाधान है। एक काम करो, तुम लोगों को समझाओ कि असम में तो असम भाषा चलता है, सब काम तो असम भाषा में होता है। अगर लोग असम भाषा सीख जाएंगे तब उनका विकास का लाभ उठा पाएंगे और भविष्य में उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। घबराओ मत, अभी जाओ। गणेश्वर का इस तरह समझाना था कि एमस्ट्रांग ने ये बात एक एक करके गांव वालों को बताई। वे लोग असमिया भाषा में पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो सरकारी कार्यक्रमों का सही लाभ उठा पाएंगे, तरक्की के नए आयाम को छू पाएंगे। बात सोले आने सही भी थी, क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी के दिमाग में ये बात जल्द आ गई और वे जुटने लगे एमस्ट्रांग के साक्षरता केंद्र पर और पढ़ने लगे चाव से असमिया भाषा में लिखी गई साक्षरता की किताबें। यहाँ एमस्ट्रांग ने भी थोड़ी समझदारी का परिचय दिया। चूंकि एमस्ट्रांग असमिया के साथ साथ गारू भाषा भी जानता था, उसने लोगों को समझाने का काम किया गारू भाषा में और पढ़ाया असमिया में। पढ़ाई के दौरान ही वह लोगों को बताता रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब सभी पढ़ लिख जाएंगे, सरकार के सामने सभी अपनी जरूरी मांगे रख पाएंगे। पानी, बिजली, सड़क की जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आज भले ही ये पढ़ने वाले नवसाक्षर बुनियादी सुविधाओं से वंचित है पर उनके चेहरे की रौनक बताती है कि आज नहीं तो कल वे विकास की दौड़ में शामिल होकर रहेंगे। पर एक दूसरे इलाके तांगाबाड़ी की समस्या अलग तरह की है। यहाँ का आदिवासी समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ है। इनके बीच बोलचाल की बात तो दूर रही, ये आपस में एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से गाँव में कोई भी सामूहिक काम ढंग से नहीं हो पाता था। जहाँ घर में महिलाएं काम करती वहीं आदमी शराब पीकर हुक्म चलाते रहते। यहाँ की स्वयं सेविका है न्योति। 11वीं कक्षा की न्योति कई कोशिशों के बावजूद केंद्र शुरू नहीं कर पाई क्योंकि इसकी किसी में रुचि ही नहीं थी। इससे न्योति हिम्मत हार बैठी। देखो न्योति, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा तो काम कैसे चलेगा? साक्षरता अभियान में तो ऐसी दिक्कत आते ही रहेगी, पर तुम्हें थोड़ा ठंडा दिमाग से काम लेना पड़ेगी। देखो, BDO जैसे प्रमुख व्यक्तियों को लेकर गांव में मीटिंग करो, घर घर जाकर हर किसी व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर समझाओ कि अगर गांव वाले मिलजुल कर रहे, लिखाई पढ़ाई करे, ना गांव का विकास होगा बल्कि उनका भी फायदा होगा। तुम ऐसा काम करो। ठीक है। कहा तो न्योति के हौसले पस्त हो चले थे, अब वही न्योति दुगुने उत्साह से लोगों के बीच साक्षरता संदेश को फैलाने में जुट गई है। वो दोबारा सोना परी के घर गई, समझाया कि पढ़ने के लिए केंद्र में आओगी तो तुम पढ़ना लिखना ही नहीं सीखोगी बल्कि और भी दूसरे फायदे में रहोगी। इसी तरह न्योति ने अनेश्वरी को भी बताया कि पढ़ने से ही उसकी गरीबी का हल निकलेगा। गांव के लोगों को लेकर न्योति ने कई मीटिंगें की। चूंकि साथ में BDO जैसे लोग भी होते थे तो मीटिंग में लोगों ने अपनी समस्याएं रखनी शुरू की। मीटिंग में अफसर गांव वालों की बातें सुनते और कहते कि लोग तभी अपनी सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे जब वे एकजुट होकर रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। इसका लोगों पर भी काफी गहरा असर पड़ा। उन्होंने भी महसूस किया कि अगर आगे बढ़ना है तो साथ में मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। आज न्योति की साक्षरता केंद्र पर एक नहीं 20 महिला पुरुष बैठकर किताबें पढ़ते हैं। न्योति भी बड़े प्यार से नव साक्षरों को अक्षरों की दुनिया की रोचक बातें बताती है।
आपसी एकता को मजबूत करने वाली कहानियां सुनाती है। वो बताती है कि लोगों का पढ़ना लिखना उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। इसका परिणाम ये निकला कि कल तक जो लोग साथ बैठने के नाम से बिदकते थे, आज वही लोग आपस में सहयोग की बात करते हैं, आपस में चूहलबाजी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। है ना ये अचरज वाली बात। महिलाओं में एकजुटता की आदत डालने के लिए न्योति ने गांव में महिला समिति बनवाई ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाएं उठा सकें। उन्हें भी कागज की बजाय जमीनी स्तर पर बराबरी का हक मिले। लोगों की आपसी एकजुटता की इससे अच्छी और क्या मिसाल हो सकती है कि आज गांव वाले इकट्ठे होकर अपनी इच्छा से सड़क साफ करने में जुटे हैं, बिना किसी दबाव के। इसी तरह जहरूल ने भी गणेश्वर का सुझाव मानकर पहले अपने इलाके में मौलवी साहब को लेकर बैठक की, गांव के सारे लोगों को विश्वास में लिया, फिर समझाया कि मुस्लिम समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब हर औरत मर्द तालीम हासिल कर लेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हमेशा पर्दा नसीन रहने वाली मुस्लिम महिलाएं आज बगैर पर्दे के किताब पढ़ती हैं, बिना किसी संकोच के खुले आकाश के नीचे अक्षरों में अपना मुकद्दर तलाश करती हैं। चलिए, न्योति और जहरूल का केंद्र तो धड़ल्ले से चल निकला, पर रुपेन के केंद्र को क्या हुआ है? चारों तरफ एक तरह की खामोशी है, केंद्र कुछ खाली खाली सा है, सबके चेहरे बुझे बुझे से हैं। ऐसा लगता है मानो रुपेन ने इन्हें जबरदस्ती बिठा कर रखा है। माँ, क्या बात है रुपेन, आज तुम्हारा केंद्र कुछ खाली खाली सा लग रहा है। क्या करूँ सर, शुरू में तो बहुत लोग आते थे, हाँ। पर अब नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने में मजा नहीं आता। बस इतनी सी बात है, तुम मेरी बात सुनो। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम्हारा ब्लॉक में जो कला जाथा का टीम है, इसको गांव में बुला दो। इसको सुनकर गांव लोग भी मजा आ जाएगा और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। कला जाथा का गीत मत सुनकर ऐसा लग जाएगा कि तुम्हारा केंद्र में पढ़ने वाले लोगों को भी लग जाएगा और तुम तो शायद उनको संभाल भी नहीं पाओगी। देर नहीं की, अपने इलाके की कला जत्थे की टीम का कार्यक्रम फिर से रखवाया। पूरे साज बाज के साथ जब कलाकारों की टोली ने नृत्य और संगीत के जरिए साक्षरता के संदेश जन जन के बीच फैलाने शुरू किए तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि जैसे ये कोई नाटक नहीं हो रहा है, बल्कि कोई उनके जीवन की हकीकत बयान कर रहा है कि अनपढ़ होने की वजह से लोगों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाटक का इतना प्रभाव पड़ा कि हर किसी ने मन ही मन ठान लिया कि अब निरक्षर नहीं रहना है,
एक तरह से इस कार्यक्रम ने लोगों के अंदर पढ़ने लिखने की भूख पैदा कर दी। ये नजर आता है रुपेन के केंद्र पर। अब जब भी रुपेन का केंद्र लगता है तो दो तीन नहीं बल्कि कई महिलाएं अक्षर और अंक को जानने का प्रयास करती नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि बचपन में न पढ़कर उन्होंने जो भूल की उसे वो सुधार लें। रुपेन भी समझता है कि अगर लोग रोजाना केंद्र पर आएंगे तो धीरे धीरे किताबों से उनका दिल लग जाएगा, मजा आने लगेगा, और अंत में हुआ भी ऐसा। चलो रुपेन के केंद्र की समस्या तो सुलझी, पर रभा जनजातीय इलाके के लिए क्या किया जाए? यहाँ की महिलाएं तो कपड़ा तो बहुत अच्छा बुन लेती हैं, बाजार में खासी मांग भी है। एक जोड़ा कपड़ा बनाने में उन्हें 10-15 दिन लगते हैं और मेहनतनामे के रूप में सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं, यानी कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें दिन के सिर्फ 15 रुपए ही मिलते हैं। इससे वे अपना घर खर्च भी ठीक से नहीं चला पाती, लेकिन बाजार में जाकर इनके कपड़े बेचने वाला मुटका रभा अपनी चालबाजी से हजारों कमा लेता है। यही वजह है कि यहाँ के स्वयंसेवक माणिक जब जब लोगों को साक्षरता केंद्र पर आने के लिए बुलाने गया तो उसे टका सा जवाब मिला कि खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, और माणिक ऐसे जवाब सुनकर परेशान हो जाता था। इतना परेशान क्यों हुआ है? तुम्हारा केंद्र ठीक चल रहा है ना? यही तो दिक्कत है, केंद्र पर लोग आता ही नहीं। पूछने पर बताता है कि पहले रोजी रोटी की चिंता करो या फिर पढ़ाई की। देखो माणिक, घबराने के लिए कोई बात नहीं है, पढ़ने वाले लोगों का ऐसा कहना ही स्वाभाविक है, गरीब आदमी है, जाहिर है पहले पेट का चिंता करेंगे, पर तुम्हें कुछ बीच का रास्ता लेना होगा। तुम ऐसे क्यों नहीं करते? ये लोग हाथ से बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं, पर लिखाई पढ़ाई ना होने के नाते ना कपड़ा का हिसाब किताब कर पाते हैं, ना उनका उचित मजदूरी मिलता है। बीच में बैठा बैठा लिया सारा माल खा जाता है। तुम जाकर लोगों को समझाओ बुझाओ, पर तुम्हें देखो तुम्हारा केंद्र कैसे चल निकलता है। गणेश्वर का सुझाव मानकर पहले तो मानक सारी रभा महिलाओं की मीटिंग बुलाता है और मुटका रभा की कारगुजारियों से सबको वाकिफ करवाता है। बताता है कि अगर वे एकजुट हो जाएं, पढ़े लिखे तो वे अपने कपड़े बाजार में खुद बेच सकती हैं, तब उन्हें किसी सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने साक्षरता केंद्र पर मानक सभी महिलाओं को उंगलियों के सहारे कपड़े और सूत के गुच्छों का हिसाब करना सिखाता है। उन्हें बताता है कि पढ़ना लिखना हर किसी के लिए जरूरी है, खास तौर से गरीबों के लिए और भी जरूरी है। अपने हाथों के हुनर से खूबसूरत कपड़े बनाने वाली रभा महिलाओं के चेहरे पर आज एक आत्मविश्वास से भरी रौनक दिखाई देती है, जो उनके आने वाले सुनहरे कल का संकेत है। मानक ने तो अपने साक्षरता केंद्र पर आई महिलाओं की हौसला अफजाई की, पर स्कूल शिक्षिका जय भारती चाहकर भी अपने नव साक्षरों के बीच उत्साह पैदा नहीं कर पा रही थी। कोई कहता पढ़ने में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा बहाना बनाता। इस सब से उबरने के लिए जय भारती हमेशा सोच में डूबी रहती थी। इतना निराश होने का कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों को जिंदगी के जुड़ी हुई कुछ दूसरा चीजों के बारे में बताना होगा, उनका अधिकारों के बारे में जानकारी देना होगा, सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देना होगा, और अक्सर पुलिस वाले कानून के नाम पर लोगों को तंग करता है, इसी के बारे में भी थोड़ा जानकारी देना होगा। साक्षरता तो की यही मकसद है ना? इस चुनौती को स्वीकार कर जय भारती ने केंद्र में आने वाली महिलाओं को व्यावहारिक ज्ञान देना शुरू किया, ताकि वह रोजमर्रा की दिक्कतों से निजात पा सके।
अब जरा अभियान के सफल स्वयंसेवक विपुल के केंद्र पर चलते हैं। क्या मर्द क्या औरत वाकई में कितनी अच्छी तरह से विपुल कोशिश कर रहा है उन्हें ज्ञान की बातें समझाने की। पर ये क्या, आज विपुल का केंद्र बिल्कुल जल्दी ही समाप्त हो गया। अरे विपुल, तुम्हारा केंद्र इतना जल्दी से खत्म हो गया है? अब क्या करूं, तीनों प्राइमर जो खत्म कर दी, फिर किताब मिलेगा तो पढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छी की बात है, वकाय में तुम जो किया है बहुत अच्छा काम कर दिया है। पर तुम्हारी जिम्मेदारी इतना जल्दी से खत्म नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ जाती है। आप ऐसा करो कि कंधे पर नवसक्षरकों को लेकर सामूहिक चर्चा करो। ध्यान रखो, ऐसी चीजों पर बात करनी है जो सीखने वाला जानना चाहता है। जैसे कि हमारे सारे तरफ पेड़ है, जंगल है, पहाड़ है, तो जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन पर बातचीत करो। ये बात ना भूलो कि उनको ज्यादा बोलने दो, अपना बात कम कहो, ऐसा कम करो। गणेश्वर से इतना सुनना था कि विपुल को लगा कि उसे तो बहुत कुछ करना है अपने उन नवसाक्षर महिलाओं और पुरुषों के लिए जो उसके केंद्र पर अपने जीवन को नए सांचे में ढालने के लिए आते हैं। विपुल के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जंगल के पेड़ लगातार कटते चले जा रहे थे। पूरा जंगल उजाड़ में तब्दील सा होता जा रहा था, उसके लिए ये चिंता का विषय था। আৰু গছডাল উপযুক্ত যিডাল গছ হয় সিডালহে কাটিব লাগে, তাৰ লগতে দুডাল ৰুব লাগে, সেইকাৰণে গছ বিশেষভাৱে কাটিব নালাগে, বুজি পাইছানা? इस परेशानी का सहभागी उसने गांव वालों को बनाया, पूछा कि जंगलों से हटकर क्या वे रह सकते हैं। गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं नहीं। और इसी तरह गांव वालों को लगने लगा कि साक्षरता क्लास सिर्फ क ख ग पढ़ने के लिए ही नहीं है, जिससे जल्दी उब जाने की आशंका रहती है, पर साक्षरता क्लास वो जगह है जहां जिंदगी से जुड़ी उनकी रुचियों और रीति रिवाजों से जुड़ी बातों पर मजेदार बहस भी होती है और उन्हें कई चीजों के बारे में ज्ञान भी होता है। आज एमस्ट्रॉन्ग, जहरूल, न्योति, रुपेन, मानिक जैसे स्वयं सेवकों की बदौलत न सिर्फ जंगल के कटाव थमते नजर आ रहे हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगा है। ये बदलाव जीवन के कई क्षेत्रों में है, जैसे कि कुछ सीखने और सिखाने का जज्बा है, समस्याओं को समझने और उनसे जूझने का साहस है, और अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है।